तो गाइज आप लोग भी रैंक पुश करते हो या फिर रैंक में सर्वाइव वगैरह करते हो और गाइज आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ गाइज आप रैंक पुश वगैरह करते हो बट गाइज आप हीरोइक में पुश नहीं कर पाते, बट गाइज उसमें आपका गलती नहीं है मेरे भाई। आप लोग ना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सही से सेट करके नहीं रखते मेरे भाई। आप में तो टैलेंट होगा बट आपके कैरेक्टर में टैलेंट नहीं होगा तो गाइज आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई आपके कैरेक्टर का भी अच्छे से टैलेंट होना चाहिए और गाइज आपका अच्छे से कैरेक्टर का टैलेंट बढ़ाने के लिए गाइज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सही से सेट करना चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैंक पुशिंग के दरमियान गाइज आपको किस तरीके से अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सेट करके रखना है। तो चलो गाइज यार मैं बिना देर लगा वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। बट यार उससे पहले गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर देता करना चाहता हूँ, अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस वीडियो को लाइक तो आपको पसंद आए तब करना बट यार सब्सक्राइब कर देना क्योंकि गाइस मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे मेन बात जो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को आप सही से समझ जाते हो तो भाई आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप लोग गाइज रैंक में भी अच्छे से प्ले कर पाओगे और क्लेश कोड में भी अच्छे से प्ले कर पाओगे। तो मान लो कि गाइज आप लोग क्लेश कोड प्ले कर रहे हो ठीक है, और गाइज क्लेश कोड प्ले करके बाहर आ गए लॉबी में, और बाहर आने के बाद दूसरा फ्रेंड बोलता है कि चलो यार रैंक प्ले करने जाते, तो उस टाइम क्या गाइज आप अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को बदलते हो गाइज, कैरेक्टर का एबिलिटी बदलते हो। मैं जानता हूँ गाइज कोई भी बंदा गाइज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं बदलता गाइज, अगर क्लेश कोड प्ले कर रहा है तो उसमें भी उसका वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, रैंक प्ले कर रहा होगा उसमें भी गाइस उसका वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा। और गाइस इस तरीके से अगर आप लोग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सेट करके रखते हो तो भाई आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। आप चाहे जितना भी अच्छा खेल रहे होगे ना फिर भी गाइस आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। तो गाइस आपको ना क्या करना है गाइस, अगर आप लोग क्लेश कोड में खेल रहे हो तो गाइस क्लेश कोड में आपको फाइट लेना है मेरे भाई क्लोज में रेंज में, तो गाइस आपको क्लोज रेंज में जो कैरेक्टर अच्छा रहता ना वो उसका एबिलिटी यूज करना है। और गाइस अगर आप नॉर्मली रैंक मैच खेल रहे हो तो गाइस आपको लॉन्ग में फाइट लेना, तो भाई उस तरीके से लॉन्ग में जो अच्छा कैरेक्टर ना उसका क्या एबिलिटी यूज करो। और आपको रैंक पुश या फिर सर्वाइव वगैरह करना है तो गाइस ये वीडियो को देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से रैंक पुश दरमियान आप किस तरीके से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सेट कर रख सकते हो। और सीएस रैंक में या फिर गाइस नॉर्मल रैंक में आपको अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सेट करना सीखना है तो गाइस उसमें तुम्हारा भाई पहले से डेडिकेट वीडियो बना चुका है, जाके देख लेना। तो गाइज यहाँ पे फोटो में देख सकते हो गाइज इस तरीके से आपको अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सेट करना है जिस टाइम आप रैंक पुशिंग कर रहे हो या फिर सर्वाइव कर रहे हो। तो गाइज अब तुम लोग सोचोगे कि ऐसे कैसे, तो मेरे भाई चलो गाइज मैं अब आपको समझा देता हूँ, आपके डीमा के डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज सबसे एक्टिव कैरेक्टर में से आपको कौन सा यूज करना है ठीक है गाइज, एक्टिव कैरेक्टर में से मैंने यूज किया गाइज क्लाइलर, बट गाइज आपके पास अगर के कैरेक्टर है ना तो गाइज के कैरेक्टर यूज कर लेना आपको अगर रैंक पुश करना है, बट गाइज क्लाइलर होगा तब भी बेटर रहेगा। और गाइज क्लाइलर का एबिलिटी तो आप जानते हो, फिर भी बता देता हूं कि गाइस स्क्लाइलर का कैपेबिलिटी गाइस वो ग्लूअल तोड़ता है, और गाइस ग्लूअल एक ग्लूअल पे हमें गाइस 8 एचपी देता है या फिर 9 या फिर 10 गाइस इतना एचपी देता है ठीक है। एक्टिव कैरेक्टर में से आपको स्क्लाइलर या फिर गाइस आपके पास के कैरेक्टर है तो वो यूज करना। और गाइस आपको रिसीव कैरेक्टर में, मेरे भाई रिसीव कैरेक्टर में आपको तीन कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करना है ठीक है। रिसीव में गाइस सबसे पहले बात करें तो गाइस आपको यूज करना है मैक्सिम कैरेक्टर गाइस, मैक्सिम कैरेक्टर क्योंकि मेरे भाई आपको ना गाइस जोन में भी सरवाइव करना पड़ेगा, अगर रैंक पुश करना है तो कई बार आपको जोन में भी फंसना पड़ता है, तो गाइस आपका मेडिकेट बहुत ही फास्ट मारेगा वो तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि गाइस 70% ज्यादा स्पीड गाइस दूसरे कैरेक्टर से मेडिकेट फास्ट मारेगा मैक्सिम कैरेक्टर। तो गाइस मैक्सिम कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करना ही पड़ेगा गाइस आपको। और गाइज दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज आपको यूज करना है गाइज लेओन कैरेक्टर, और गाइज लेओन कैरेक्टर का एबिलिटी आप जानते होगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि गाइज लेओन कैरेक्टर गाइज हमें मतलब हमें डैमेज पड़ता है उस टाइम गाइज हम सर्वाइव करते ना उस टाइम गाइज हमें एचपी देता है गाइज लेओन कैरेक्टर। तो गाइज ये सर्वाइव हमें रैंक पुशिंग करना है तो गाइज सर्वाइव करना पड़ता है, सर्वाइव दरमियान गाइज ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा गाइज लेओन कैरेक्टर यूज करना। और गाइज आपको लेओन कैरेक्टर यूज नहीं करना ठीक है, आपको लेओन कैरेक्टर यूज नहीं करना। और गाइज आप स्नाइपिंग करना पसंद करते हो स्नाइपर किंग हो तो मेरे भाई आप यूज कर सकते हो गाइस रेफल कैरेक्टर को, क्यों गाइस इसमें गाइस पहले से साइलेंसर आता है तो गाइस ये अच्छा रहेगा। या फिर गाइस आप सिंगल रेट ऑफ फायर वाला गन चलाना चाहते हो तो जैसे कि गाइस मान लो एसकेएस है वुड पैकर है गाइस एससीएससी है गाइस वो गन मतलब सिंगल रेट ऑफ फायर वाला गन माना जाता है, तो गाइस उसको चलाने की गाइस वो गन चलाते हो तो गाइस आप यूज कर सकते हो रेफल कैरेक्टर, क्यों गाइस रेफल कैरेक्टर में साइलेंसर आता है गाइस वो तो आपको पता ही होगा फिर भी मैं बता देता हूं। तो गाइस रेफल कैरेक्टर यूज करना या फिर गाइस लेओन कैरेक्टर इन दोनों में से यूज करना।
तो गाइस जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है ना मेरे भाई, उस कैरेक्टर को लगभग तो आप लोग जानते भी नहीं होगे, क्योंकि गाइस उस कैरेक्टर एबिलिटी है ना मेरे भाई फोर्ड कैरेक्टर। मेरे भाई फोर्ड कैरेक्टर का गाइस दिखने में कैसा दिख रहा है, एडम से भी बुरा है, बट उसका एबिलिटी बहुत ही अच्छा है गाइस। उसका एबिलिटी ये है कि गाइस अगर आप जोन में घुस जाते हो ना मेरे भाई, रैंक मैच प्ले कर रहे हो या फिर गाइस क्लैश कोड भी प्ले कर रहे हो, अगर जोन के अंदर घुस जाते हो ना तो गाइस उस टाइम आपको गाइस बहुत ही कम टाइम मतलब डैमेज कम पड़ेगा गाइस, जितना दूसरे कैरेक्टर से ज्यादा पड़ेगा। और गाइस उस टाइम आपके पास फोर्ड कैरेक्टर का एबिलिटी होगा तो गाइस आपको डैमेज कम पड़ेगा और गाइस आप बचने का चांसेस भी निकल मतलब जोन में से बच भी सकते हो। तो गाइस फोर्ड क्या कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करना पड़ेगा आपको रैंक पुशिंग दरमियान, क्योंकि गाइस आपको कई बार गाइस आपके टीममेट को रिवाइव करने के चक्कर में गाइस जोन में जाना पड़ता है। क्योंकि गाइस मैं भी यार रैंक पुश करता हूं तो मेरे को पता है, और गाइस मैं खुद यार फोर्ड कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करता हूं कि गाइस कितना बेटर है। गाइस जोन में गाइस हमें कई बार फंस जाते हैं और गाइस हम मर जाते हैं, बट गाइस उस टाइम हमारे पास फोर्ड कैरेक्टर का एबिलिटी साथ होता है ना तो गाइस हम नहीं मरते और हमारा बचने का चांसेस हो जाते। तो गाइस आपको फोर्ड कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करना ही पड़ेगा, कैरेक्टर यूज करना, दूसरा कैरेक्टर यूज मत करना गाइस, फोर्ड गाइस आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसा लगा यार मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना, और गाइस अच्छा लगा तो गाइस जो नीचे वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर से दबा देना, क्योंकि गाइस यार मेरे को लास्ट टाइम पे भी बोलना पड़ रहा है यार तुम्हारे भाई का यार चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है, और गाइस किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ना मेरे को कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई यार तुम्हारे सामने वीडियो को पेस्ट कर देगा। चलो गाइस बाय बाय।